गुजराती फोरम के फाउंडर मेंबर और गोजरा अंजुमन के रहनुमा और साबिक सदर मोहतरम इकबाल माला साहब डीएसपी जाफर खान बलोच को गुजराती फोरम पाकिस्तान और सिटी फाउंडेशन कमेटी की जानिब से तारीफी सर्टिफिकेट और अवार्ड दे रहे हैं। इनके हमरा गुजराती फोरम पाकिस्तान और सिटी फाउंडेशन कमेटी के फाउंडर मलिक असलम भी मौजूद। सिंध पुलिस की खिदमत को खराज तहसीन पेश करने के लिए ये तकरीब नौजवानों की तरफ से बरोज बुध एक मकामी हाल में मुनक्कद की गई थी। मीमन मेडिकल इंस्टीट्यूट अस्पताल मीमन हेल्थ एंड एजुकेशन फाउंडेशन अस्पताल प्रोजेक्ट के तहत मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें फालिज या मिर्गी, हाथ पांव का कांपना या सुन होना, कमर के मोहरों का हिल जाना, दिमाग या कमर की रसोली, गर्दन या कमर में दर्द या इन्फेक्शन, सर दर्द या आसाबी कमजोरी या उससे मुतालिक कोई और अमराज हो, इसमें मुस्तहिक मरीजों की सर्जरी ज़कात से मुफ्त की जाएगी। ये कैंप 7 नवम्बर 2021 बरोज इतवार बमकाम मीमन मेडिकल इंस्टीट्यूट अस्पताल हैदरबख्श गबूल रोड सफूरा गोट में लगाया जाएगा। अपने साथ CNIC शनाख्ती कार्ड लाना ना भूलें। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन की जानिब से डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हॉल DMC साउथ में तंबाकू नोशी से पाक आगाही सेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें शहर भर के समाजी इदारों के नुमाइंदों ने शिरकत की। खादिम इंसानियत वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट की जानिब से इदारे के एग्जीक्यूटिव मेंबर फरीद बिलवानी और वॉलंटियर मुस्तफ़ा रफीक ने शिरकत की। तकरीब के इख्तिताम पर मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन की जानिब से खादिम इंसानियत ट्रस्ट के एग्जीक्यूटिव मेंबर फरीद बिलवानी को एजाजी सर्टिफिकेट भी दिया गया।